लेकिन पहले जो नियम बने उसको लागू करने का प्रयास करना चाहिए। उनके अधिकारियों के मिलीभगत से, सरकार के मिलीभगत से, सरकार के संरक्षण से यह शराब माफिया फल फूल रहे हैं। आपने शराबबंदी की और आपके देश राज्य में शराब मिल रहा है तो आप फेल हैं। तब मुख्यमंत्री जी आपसे कभी नहीं संभलेगा, और अभी तो यह नहीं समझा आप, अभी शासन प्रशासन भी नहीं संभल रहा। आए दिन आपके घर के बगल में हत्याएं हो रही है, लूट हो रहा है, कोई अपने को सुरक्षित नहीं महसूस कर रहा है। सिद्दीकी जी बड़े नेता हैं, लेकिन ऐसे शब्दों का व्यवहार उनसे अपेक्षित भी नहीं था। नए साल में एक बार फिर से नीतीश कुमार जनता के बीच जाएंगे, सीधे उनसे संवाद करेंगे, लेकिन इसको लेकर बीजेपी की ओर से सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने जोरदार हमला बोला और नीतीश कुमार को कह डाला कि पहले जो काम किए हैं उन नियमों को पहले ठीक ढंग से लागू करें, उसके बाद फिर यात्रा करें, जनता के सामने जाएं। क्या कुछ कह रहे हैं जनार्दन सिंह सिग्रीवाल, पहले हम आपको वो सुनाते हैं। नीतीश कुमार की शराबबंदी की स्थिति तो लोग देख ही रहे हैं, नीतीश कुमार फिर से एक बार बिहार की यात्रा पर निकलेंगे तो ये यात्रा करने का कितना असर पड़ेगा बिहार के लोगों पर या समाज सुधार पर उनका? इस यात्रा का मैं नहीं कहूँगा कुछ बहुत, लेकिन पहले जो नियम बने उसको लागू करने का प्रयास करना चाहिए। उनके अधिकारियों के मिलीभगत से, सरकार के मिलीभगत से, सरकार के संरक्षण से यह शराब माफिया फल फूल रहे हैं, तो उनको उस तरफ ध्यान नहीं जा रहा है। ध्यान तो वहाँ देना चाहिए ना। आपने शराबबंदी की और आपके देश राज्य में शराब मिल रहा है तो आप फेल हैं, या तो सीधे सीधे बात सामान्य व्यक्ति भी कह सकता है। हमारा दरवाज़ा बंद भी है और दरवाजे के भीतर भी सारा घटनाएं घट रही है, सारे काम हो रहे हैं, तो इसका मतलब हम फेल हैं ना। हम अपने जब सजग रहेंगे, अपने जब सजग प्रहरी की जैसा जब चौम्मन अपने बॉर्डरों पर सुरक्षा करते रहेंगे, वैसे अधिकारियों को वहाँ लगा करके जब हम काम करते रहेंगे तो फिर हम ठीक रहेंगे। अब सारण जिला में कोई पहली बार नहीं हुई है, चौथी घटना है, दर्जनों लोग मर गए, लेकिन वहाँ का एसपी बरकरार है। इसलिए बरकरार है कि वह सरकार का संबंधी है। सरकार का संबंधी को हर कर्म करने के लिए अगर छूट आप देते रहिएगा तो मुख्यमंत्री जी आपसे कभी नहीं संभलेगा, और अभी तो यह नहीं समझा आप, अभी शासन प्रशासन भी नहीं संभल रहा। आए दिन आपके घर के बगल में हत्याएं हो रही है, लूट हो रहा है, कोई अपने को सुरक्षित नहीं महसूस कर रहा है। यह सारी दुर्भाग्य की बात है और आपसे यह अपेक्षा नहीं थी। मैं तो दो टर्म कई एक वर्षों तक के उनके साथ मैं कैबिनेट में एक सदस्य के रूप में काम किया। पहली बार जो मुख्यमंत्री बने थे वो सारे तेवर, सारे उनके जो अति सब खत्म हो गए हैं लगता है कि, लेकिन हमको लगता है कि संगत के वजह से ही हुआ होगा। संगत अगर ठीक रहे तो ठीक रहता, लेकिन अपने अंदर के जो भाव है, भाव को खत्म नहीं करना चाहिए, भाव को जड़ मूल से उन्होंने खत्म कर दिया ऐसा लगता है। धन्यवाद। सिद्दीकी जी काफी समय तक मंत्री रहे, बिहार के लोगों ने उन्हें प्यार दिया, लेकिन अपने बच्चों को कह रहे हैं कि आप विदेश में बस जाइए, देश का माहौल ठीक नहीं है आपके लिए, क्या देखिए? या उनकी कोई नई बात नहीं है, शाहरुख खान भी इसके पहले कह चुके हैं इस मैटर को। हमें लगता है कि यह देश के प्रति अनादर की भावना अंदर में जो प्रवेश की है, इसका वो प्रतिकार और मुंह से निकल रहा। हमारा देश है, हम जहाँ जन्म लिए हैं उस देश को हम अगर अच्छा करने का होगा तो अच्छा करने का हम प्रयास करेंगे। हम देश छोड़ देंगे, देश हमारे लिए खराब है तो हम लगता है यह मने और राष्ट्रीयता है, जिसके अंदर राष्ट्रीयता भावना ही नहीं है वह व्यक्ति ऐसा कह सकता है। सिद्दीकी जी बड़े नेता हैं, लेकिन ऐसे शब्दों का व्यवहार उनसे अपेक्षित भी नहीं था, लेकिन जिस दल में है वो दल का प्रभाव भी हो सकता है कि उनको कहवा रहा हो। हमें जिस देश में है, जिस घर में जन्म लिया है, जिस माता पिता के कोख से जन्म लिया उसको कह दें कि खराब है, लगता है कि तो बात मैंने कोई नहीं कह सकता है। देश सर्वोपरि है, भारत महान है, और भारत में हम जन्मे लिए हैं तो हमें गर्व है भारत में जन्मे, और दुनिया के लोग तो भारत आकर के गौरवान्वित होते हैं। ये भारत का इतिहास रहा है, भारत तो दुनिया को दिशा निर्देश दिया है, दुनिया का नेतृत्व किया है और आज भी नेतृत्व करने की स्थिति में है। अभी G20 की बैठक मैंने दुनिया के 80% आबादी और क्षेत्र की बैठक यहाँ भारत में है, अभी उसका नेतृत्व भारत को प्राप्त हो गया है और यह लंबा समय तक नेतृत्व चलेगा। और इस समय आप कहते हैं कि भारत में रहना, विदेश चला जाना, दुनिया भारत की तरफ देख रही है और आप
विदेश जाने के लिए लेकिन सीधे तौर पर जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने नीतीश कुमार के साथ साथ अब्दुल बारी सिद्दीकी जो राजद के वरिष्ठ नेता है उनको भी नसीहत दे डाली, और जिस तरीके से उनका बयान तेजी से सामने आ रहा है इसको लेकर उन्होंने कहा कि ये देश अपना है, इसमें अगर कोई डर रहा है तो उसके अंदर राष्ट्रीयता की भावना ही नहीं है, और राष्ट्रीयता की भावना है इसीलिए अब्दुल बारी सिद्दीकी इस तरह की बातें कर रहे हैं। वही वो जिस दल में है उस दल का असर जो है वो अब उनके ऊपर दिखने लगा। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे द एस जी न्यूज के साथ और देखते रहे द एस जी न्यूज। आशीर्वाद इजीकॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम, हम सिर्फ घर नहीं खुशियां भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज, पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना तो कीजिए हमारे नंबरों पर संपर्क।